शिवपुरी जिले की कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में आज अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस नजारे को देखकर लोग चौंक उठे। दरअसल मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में एक 100 साल की बुजुर्ग महिला हाथ ठेले पर बैठकर अपनी फरियाद सुनाने कलेक्टर के पास पहुंच गई। 100 साल की राधाबाई जोगी ने बताया कि वह जोगी मोहल्ला पार्ट 19 शिवपुरी में एक पाटौर में निवास करती है। उसके पति की मौत के बाद पाटौर का नामांतरण बेटे के नाम होना है, लेकिन नगर पालिका शिवपुरी द्वारा उसे नल कनेक्शन का 28,000 रुपए का बिल थमा दिया गया है। बुजुर्ग महिला और उसके बेटे ने बताया कि वह अत्यंत गरीब है, बिल भरने में पूरी तरह से असमर्थ है। नल कनेक्शन का बिल माफ कराने बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर से गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? जोगी। कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? हमारा नामांतरण हुआ था, हमारा और मेरा नाम बढ़ना। कहीं में नामांतरण नल की अनुसी दे दी है, नल की मेरी स्थिति नहीं है। और महाकाल की कसम खाता हूँ, मैं तो 100 रुपये एक से लेकर आया हूँ, 50 रुपये एक से लेकर आया हूँ। मेरी भी कोई स्थिति नहीं है, खाने के लाले नहीं है। तो अब आप क्यों यहाँ पे क्यों आए हो? नामांतरण करवाना था मेरे से। नल का बिल कितना आ गया? 28,600। नगर पालिका वाले क्या कहते हैं? ये आप कहीं से कर आओ, हम नहीं कर पाएंगे। हमारे क्या 28,600 रुपये बनने ही कह रहे हैं? 5,600 माफ कर रहे हैं, मेरी स्थिति बिल्कुल नहीं है। 5 रुपये बनने की स्थिति नहीं, मुझे आता पूरा माफ हो जाए और मेरा काम हो जाए। आवास लगा है मेरा, ठेले में क्यों आई हैं? उनकी स्थिति नहीं है बिल्कुल, ना बोल पाती है, नहीं चल पाती है ना बिल्कुल। मैं कभी ठेले लाया था। क्या नाम है इनका माता जी का? राधा भाई। कितनी उम्र होगी? 95 साल। 100 साल। अरे